नमस्कार किसान भाइयों, तो आज हम करने जा रहे हैं चने की बोनी और इसका वीडियो हम बताएंगे। हम डॉलर भी बोने वाले हैं। डॉलर में एक वैरायटी है BG 40-35, एक वैरायटी हमारे पास कोटा 2, फिर इसके बाद हम बोएंगे चने में समृद्धि, मानव, RBG 2020 और बहुत सारे चने हम अलग अलग वाले बोने वाले हैं। तो वो उसका आज हम आपको वीडियो बना करके बताएंगे कि हम क्या क्या बोने वाले हैं। तो हमने एक ये नई सीड ड्रिल सेट करी है जिसको मतलब रोहित का प्लांटर कहते हैं। ये सीड ड्रिल नहीं है। सीड ड्रिल क्या होता है कि छेद करके दाना फेंकती है। प्लांटर क्या होता है कि यूनिफॉर्मली डिस्टेंस पे किसी भी मतलब दाने को डालता है, तो इसको प्लांटर बोलते हैं। तो अभी हमने कल इसमें थोड़ा सा पाठा चला के ट्राई किया था और शाम भी हो रही थी तो हमने थोड़े बहुत चलाया और उसके बाद वापस आ गए। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको लेके जाएंगे। इसमें ये जो चना आपको दिख रहा है ये है समृद्धि और ये ट्रीटमेंट करा हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। इसके अंदर हमने क्या किया है, ट्राइकोडर्मा विरिडी और ट्राइकोडर्मा के साथ में डला हुआ है इसमें NPK, अपना जो कंसोल आता है जिसमें एजेटो वेक्टर होता है, PSB होता है, वो सभी जो होते हैं वो वाला इसमें डला हुआ है। और ये हमारा ट्रैक्टर है जिसके अंदर 1728 का टायर डला हुआ है। बार बार मैं इसलिए बड़ाई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बड़ा अच्छा लगता है, ये टायर देख के मज़ा आ जाती है। आपको कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये अभी हम जाएंगे, अभी फ़िलहाल हमारे चने जो हैं वो हम डाल रहे हैं। ये भैया ऑन कर रहे हैं बिजली फिटिंग और इधर चल रहा है खाद मिलाने का काम। तो सभी जगह अलग अलग काम चल रहे हैं, तो जैसे ही खेत में पहुँचता हूँ मैं आपको अपडेट उसका भी देता हूँ। तो ये हमारी सीड ड्रिल भरा चुकी है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये इधर है चने और उधर है खाद, खाद अलग, बीज अलग। अब इसको लेके जाते हैं हम, तो उसके लिए सबसे पहले करते हैं इसको बंद। ओ चलो भैया ले चलो इसको। तो अभी हम जा रहे हैं बोने के लिए, मतलब जो हमारा खेत रह गया था कल उसको बोने के लिए जा रहे हैं। ये बोरियां रखी है, पीछे सीड ड्रिल है, अपडेट कर लिया है और ये हमारे भाई ने पानी भी हेड़ दिया है ताकि अपन इधर बो नहीं पाए। और इधर हमने मूंग उंगा लिए, ऑफ सीजन मूंग की खेती। और उसके बाद इधर सोयाबीन लगी हुई है उसके बगल से थोड़ी सी, ट्रायल के लिए कि होती है या नहीं होती इसका पता चलेगा। दिखती नहीं है सोयाबीन ऐसा में। थोड़ा बिरला डला हुआ है, मतलब कम संख्या में डला हुआ है सोयाबीन। हालांकि कम हो या ज्यादा दिखना तो चाहिए। इसमें स्प्रिंकलर की शिफ्ट चलानी पड़ेगी थोड़ी थोड़ी। अभी मैं पहुंचता हूं खेत में, फिर आपसे बात करते हैं।
फाइनली हम आ गए हैं खेत में। बस थोड़े कॉल ज़्यादा आते हैं इसलिए हमारी वीडियो ब्रेक हो के आती है। लोग सोचते होंगे कि पूरी वीडियो क्यों नहीं बनाता, मैं क्या बताऊं यार, फोन से वीडियो रिकॉर्ड करने जाओ और किसी ना किसी का कॉल आ जाता है। मोबाइल वहीं छोड़ दीजिए ताकि वो फिक ही जा, तुम्हारा नाम लीजिए हैं। ये देखो भैया, ये फिर बाद में बोलेगा कि पटेल ने हमारा मोबाइल तोड़ दियो, हम मोबाइल पे बात करता था अकेले, है नहीं। ये गिर गया गलती से हैं। ये भैया हमारे डंकू है, ये आप अगली बार अगले साल दिल्ली ये जाएंगे, क्योंकि हमारे गोपाल भैया दिल्ली रिटर्न हो चुके हैं, अब डंकू की बारी है। तो अभी हम बो रहे हैं चने फुल टू डीप गहराई के साथ। एक नाली लग गई है, नली में हो सकता है मिट्टी होगी, ये खाद वाली नली। ये देखो भैया नुकसान, हालांकि खेतों में ही जा रहा है। ये थोड़ी सी बड़ेल है यार की नली, यार नली को साइज बढ़ना से लग रही है। रेंद रेंद वो तो काटना पड़ा वो ये ले लगा है। तो ये हमारा खेत ऑलमोस्ट एंडिंग पे आ गया है। इधर पानी निकाल दिया है ऊपर वाले ने। क्या करो भैया, बोना तो पड़ेगा। जैसे देखो यहाँ पे ये खाद गिरा हुआ है और ये दाने, ऊपर ही रहेगा। आज हम एक नया प्रैक्टिकल कर रहे हैं कि लोग मतलब क्या करते हैं, बोनी के बाद बखरनी करते हैं, तो हम कर रहे हैं क्रॉसिंग में बोनी। क्रॉसिंग में मतलब इधर से वो दिया चना, तो वो एक चना नीचे गहरा चला गया, अब दूसरा चना बो रहे हैं ऊपर से क्रॉसिंग में उल्टी दिशा में, मतलब एक चना ऐसा बोया हुआ तो अगला ऐसा बो रहे, ताकि उससे अपने को एक आइडिया आ सके कि अगर बाय चांस क्रॉसिंग की जाए तो क्या फ़ायदा रहता है या नुकसान होता है, या फिर डीजल जलाने वाली बात है तो उसका गणित भी अभी हमें आएगा।
पता चलेगा उसका भी। और हम क्रॉसिंग कर रहे हैं थोड़ा गेप में, एक सिड्रिल छोड़ के एक सिड्रिल का गेप, ताकि गेप भी बना रहे और चने को जो ग्रोथ करनी है वो ग्रोथ भी आती रहे। बोते बोते अभी हमको ऐसा लगा कि यार हमारी स्पीड थोड़ी स्लो चल रही है और सीज़न जल्दी जा रहा है, तो अभी हम काम बढ़ाने के लिए फोर व्हील को लगाएंगे सेड्रिल में, ये देखो, और फिर अच्छी गहरी फंसा के बोएंगे चने को। लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ था कि शुरू में हमने जेडी से बोया, फिर ऐसा लगा ताकत कम लग रही और धीरे बुआ रहा है, फिर हमने फोर व्हील लगा लिया था। अब हम फोर व्हील से बोनी करेंगे क्योंकि टू व्हील के बस की बात नहीं रही चने बोने की। थोड़ा सा उठाना पड़ेगा, ज़्यादा गहरा चल रहा है। अब एक बार बोने की गहराई भी नाप ही लेते हैं। यहाँ पे करीब 4 से 5 इंच दाना जा रहा है भैया। वो टायर वाला था, ये वाला 6 इंच पे। यहाँ दाना पड़ा है, ये ठीक बढ़िया बोरा, एक नंबर, मतलब स्पीड से बो सकते हैं।